दो किस्में हैं, एक है कांसार है जिसे लोग रोगी लोग खाते हैं और दूसरा है स्टील जिसे हम चलाते हैं। कांसार के बारे में मैं ये कहता हूँ, आमतौर से हम घरों में ये जो पाइप वगैरह रखते हैं को क्या हो गया? बार बार भौंकता है और अंदर की तरफ जाने की कोशिश करता है। बड़ा कुछ करके देख लिया है, कुछ समझ में नहीं आता। चौकीदार, मुझे डर लग रहा है। ओहो, अब किस बात का डर? अब तो उसको बांध दिया है मैंने। अब भौंकने से तो उसको कोई नहीं रोक सकता ना, कम से कम ये तो उसका बुनियादी हक है। मुझे कुत्ते से डर नहीं लग रहा, अंदर कमरे में डर लग रहा है। और मैं इधर हूँ ना, अंदर किससे डर लग रहा है तुमको? अंदर कमरे में कुछ अजीबोगरीब हरकतें हो रही। ये अजीब हरकतें तो सुनी, ये गरीब हरकतें कौन सी होती? मैं आराम से कुर्सी पर बैठी थी, कुर्सी एकदम उलट गई। और कुर्सी पर बैठना नहीं आता तो मत बैठा करो कुर्सी पर, ये गरीब आदमी को कुर्सी जेब ही नहीं देती वैसे भी। फिर एकदम टीवी बंद हो गया और पीछे से पावर आना बंद हो गया होगा। और टीवी पेट्रोल से तो नहीं चलता ना? फिर एकदम ऑन हो गया। हाँ तो पावर आ गई होगी। फिर एकदम कुर्सी उलट गई। तुमने भी कोई बूटी बूटी तो शुरू नहीं कर दिया? जाओ अंदर, हम इधर ही है। बाहर क्यों आई हो तुम? वो पता नहीं जी कुत्ते को क्या हो गया, बहुत ज्यादा भौंक रहा था और बार बार अंदर की तरफ जाने की कोशिश करता है। मैंने बांध दिया उसको। तुम्हें कहा था उसे अकेला छोड़ के मत आया करो, खास तौर से समझा के गई थी। अभी आई हूँ जी, अभी आई हूँ जी। देखो उसको। मम्मी ने बहुत मिस किया आज, पूरा दिन अपनी गुड़िया को। मम्मी को मिस किया? अच्छा, इसको ये भी बना देंगे। सबर सबर, इतनी जल्दी क्या? अभी तो हम अपनी गुड़िया को मिलेंगे, देखेंगे, बातें करेंगे। सुबह से नहीं देखा आज। मिस कर रही थी मम्मी, डैडी को मिस कर रही थी। मेरा बच्चा पलक,
नहीं देखा। तुम क्या कह रही थी? ये क्या देख रही हो इधर उधर? तो क्या कह रही थी, कौन सी तस्वीर टूट गई और क्या हो गया? वो मैं क्या बोलूं, मैंने कर रही हो? तुमने कोई नशा वशा तो नहीं शुरू कर दिया? दफा हो जाओ इधर से, दिमाग खराब किया हुआ सबका है ना? ये सब लोग पागल तो नहीं होते सर? नहीं सुबह से नहीं देखा वैसे मुझे तो। खुश हो रही? कुछ नहीं होगी तो कैसे हो? इधर देखो, मामा को नहीं देखो, इधर देखो मामा गंदी। बाबा अच्छा सारा दिन मम्मी ख्याल रखे और जाना डैडी के पास। पक्का बम पक गुड्डी अल्लाह गुड्डी 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 जा रहे हैं हम तो। अरे नहीं नहीं मेरी बेटी को अजीम गुलुकार पलवशा का माँ बाप मर गया, इसकी वजह से मैंने शादी नहीं बनाया, यही मेरा औलाद है। मेरा अपना बच्ची होता तो शायद इतना प्यार न करता, ये मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज अधंतर से दिल का टुकड़ा है। जब ठीक था तो कोयल की तरह कूकता था, बस्ती का हर बच्चा हर औरत से प्यार करता था, दिनों या रात इन रस्तों पे चलकर आता जाता था। अब ये रास्ते बुरे लगता है, ये स्वादी इन पहाड़ों से खौफ आता है मुझे भी और मेरे बच्ची को भी। गांव का लोग बोलते हैं कि किसी दरख्त के नीचे बैठा है इसलिए कोई साया हो गया है,
गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं है ना मामू, इसलिए। आप तो पढ़ा लिखा है ना डॉक्टर बाबू, इसका बीमारी का इलाज कर दो, मेरे कोई ऐसा दवा दे दो कि हमारी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाए, अब हम इसको ऐसे नहीं देख सकता। हिम्मत से, हौसले से ठीक हो जाएगी वो, आप फिक्र ना करें। ढंग से कुछ डूरती रहती है, जैसा कोई कुछ गुम हो गया है ना, ये ऐसा एक दो बातें और मालूम करनी है मामू। मुझे ऐसे लगता है जैसे आपने सारी बात मुझे नहीं बताई। डॉक्टर बाबू, इतना तो हमने कभी बस्ती वाले को नहीं बताया, जो हमको पता था वो सब कुछ तेरे को बता दिया। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने इसकी शादी का कभी सोचा था, या फिर कोई बस्ती में, मेरा मतलब है कोई नौजवान जिससे। हम शर्म हया वाला लोग हैं, ये घूमती फिरती जरूर है, लेकिन गांव का लोग इसको अपना माँ बहन समझते हैं, कोई इसकी तरह आंख उठाकर नहीं देख सकता। वो सब लोगों को पता है कि इसका मामू भूत सख्त है, कसम खुदा की कोई आंख उठा के देखे हम उसका टुकड़े टुकड़े कर दे, ये कोई बात नहीं। अच्छा चलो फिक्र ना करो, इसको तलाश करने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही इसे ले आऊंगा। और मामू मैं आपसे ये भी वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी और एक बार फिर खुश खुर्रम जिंदगी गुजारेगी। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको इससे भी बड़ा डॉक्टर बना, हम सारा जिंदगी आपको दुआ देगा डॉक्टर से। डॉक्टर से सलाम अलैकुम। हकीकत है कि ट्रक पे लकड़ियां भी स्मगल होकर बाहर गई हैं और सामान भी बाहर गया, और यकीनन उस सामान में लकड़ियों के अलावा भी कुछ होगा। मुझे मालूम नहीं है सर। मिस्टर परवेज, हमारे लाइम होने का मकसद यह है कि या तो हम स्मगलरों से मिले हुए जी, या फिर हम इस नौकरी और इस सौदे के काबिल ही नहीं है। मगर सर, आदम अगर से काम नहीं चलेगा मिस्टर परवेज, मैं फर्ज की खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर देने को तैयार हूँ। मैं आपके साथ हूँ सर। पूरे हमले को बाखबर रखने के बावजूद ऐसा हुआ है, ये हमारी कोताही है। हैरत इस बात की है सर कि वो ट्रक हर चेक पोस्ट से कैसे गुजर गए। यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हमारे अमले और हमारे इंतजामिया के मिले बगैर ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको किसी पर शक है तो आप मुझे बताएं, मैं। मुझे तो अपने ऊपर भी शक है मिस्टर परवेज, मेरा तो सर शर्म से झुक गया। लेकिन हमारा क्या कसूर सर? तो फिर कौन लोग हो सकते हैं? मैं कुछ कह नहीं सकता सर। वो जो उस दिन वो लोग आए थे, क्या नाम था वो लाला, वो जो हराम की बोतलें और रिश्वत की पेटियां लेकर आए थे, उनका डेरा यहां से कितनी दूर है? जी वो यहां से कुछ फासले पर हैं, लेकिन सर उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। मैं खुद सर्वे करूंगा मिस्टर परवेज, ऐसा होना नहीं चाहिए। Thank you.
वेलकम वेलकम वेलकम। ये हमारी खुशनसीबी है कि जी आज फॉरेस्ट ऑफिसर साहब खुद चलकर हमारे पास तशरीफ लाए। मुंह क्या देख रहे हो, जाओ साहब के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। नहीं नहीं प्लीज, थैंक यू वेरी मच, किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं। नहीं जी ऐसे तो हम नहीं जाने देंगे, ये तो हमारी रिवायत के खिलाफ। मजबूरी तो ये है कि साहब कुछ खाते पीते ही नहीं। आप जो कुछ खिलाना पिलाना चाहते हैं मैं उसका आदि नहीं हूं। अरे साहब आप जो कुछ कहते हैं हम हाजिर करते हैं, मगर आप बैठे तो सही। उस दिन आप बिला वजह नाराज होकर चले गए साहब बहादुर, आप तो हमारे मेहमान हैं। आज यहाँ कल वहां, पोस्टिंग तो होती रहती है, ट्रांसफर तो होती रहती है ना आप जैसे लोगों की। अब देखे ना, कल को अगर आप यहाँ से चले जाएं तो हमें याद तो रखेंगे ना। आपकी मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर किसी रोज हाजिर जरूर होऊंगा। पता नहीं फिर वक्त मिले ना मिले, थोड़ी देर बैठ जाइए। अभी जल्दी में हूँ, सर्वे करने के लिए निकला था, इंशाल्लाह मुलाकात जरूर होगी ये वादा रहा। इंतजार रहेगा अच्छे वक्त की तरह। ए ए मने क्या, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जरा एहतियात से साहब, ये रास्ते बहुत खतरनाक हैं। गाइड करने का शुक्रिया। कंबल गंदी बच्ची। हाँ कहाँ बाबा, बाबा कहाँ, दादी कहाँ? कंबल गंदी बच्ची। हाँ कहाँ बाबा, बाबा कहाँ, दादी कहाँ? मामा अभी आ रही। अच्छा अच्छी बच्ची बन के लेट नहीं था, चलो थक दिए था। परवीन तुम्हें जिस काम से भेजो वहीं बैठ जाती। कहाँ है दूध? दीदी जी दूध खत्म हो गया है। खत्म हो गया? कितना दूध लिया था? जी मैंने खुद 3 किलो दूध लिया था। 3 किलो दूध लिया था तो फिर कहाँ गया? ये देखिए खाली पड़ी है। गया कहाँ? बेगम साहब मैं तो आपसे पहले ही कह रही थी घर में कुछ अजीबोगरीब हरकतें हो रही हैं। तो
बोतल दोस्त। ये तुम्हारा कोई इलाज? किधर चला गया? पता नहीं जी कुत्ते को क्या हो गया, बार बार भौंकता था और बच्ची की तरफ आता। हाय मम्मा इधर ला इसको। और रस्सी तोड़ा के खुद ही भाग गया। पता नहीं क्या हो गया कुत्ते को। मेरी बच्ची। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जनाबे अली कैसे हैं आप? कहाँ शहर हो रही है? शहर कहाँ हमारे नसीब। क्यों? एक मरीज को देखने जा रहा था। आप बताएं बच्ची कैसी है? शुक्र है अल्लाह का। बच्ची क्या मिली आपको? सलाम दुआ से ही क्या? नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, बस कुछ मैं भी मसरूफ था, कुछ बच्ची के साथ कुछ ऑफिस के कामों में। किसी की बच्ची को गोद लेकर ना सिर्फ नेकी की है आपने बल्कि शाकिर होने का भी सबूत दिया। डॉक्टर साहब ये सिर्फ आपको या थाने वालों को मालूम है कि मैंने बच्ची अडॉप्ट की है और किसी को नहीं मालूम, वरना वो बच्ची मेरी अपनी है। मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कि और बच्चे भी होंगे बहुत जल्द। किस मरीज को देख रहे थे आप? आपको नजर नहीं आएगा। शर्जील मरीज औरत है या मर्द? उसने तिलिस्मी टोपी पहन रखी है। ठीक है शर्जील तुम मरीज देखो, मैं अपने दरख्त और पौधों को देखता हूँ। अल्लाह हाफिज, फिर मुलाकात होगी। देखो ये मासूम मर जाएगा। नहीं 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 पलवशा तुम ये नहीं कर सकती, ये बच्चा मर जाएगा। नहीं 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 देखो तुम्हें तुम्हें कोई नहीं मारेगा, मैं हूं ना, मेरे होते हुए तुम्हारी तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता। नहीं 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 पलवशा देखो तुम ऐसा नहीं कर सकती। देखो देखो तुम बहुत अच्छी हो, तुमसे सब प्यार करते हैं, मैं भी। हाँ पलवशा
पर वैसे बच्चा बेकसूर है। देखो अगर तुमने इसे मारा तो इसकी माँ भी रो रो के मर जाएगी और फिर तुम भी गिर के मर सकती हो। ऐसा मत करो बलवशा, लाओ लाओ बलवशा ये बच्चा मुझे दे दो, लाओ शाबाश लाओ। वो मुझे मार देंगे। नहीं तुम्हें कोई नहीं मारेगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, आओ शाबाश आ जाओ। मेरा दिल नहीं। तू कौन? मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ, तुम्हारा दोस्त। डॉक्टर? पागल है। मैं पागल? हाँ आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाऊंगा। मर जाऊं? तुम्हारी मर्जी। तू रोकेगा नहीं? अगर तुम्हारा दिल चाह रहा है तो रुक जाओ। तुम रोको। अच्छा बाबा प्लीज रुक जाओ। बिल्कुल पागल है। अच्छा तो फिर मुकद्दस को आज खाना नहीं मिलेगा? मुझे कच्चा खा रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है, गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा नहीं खाते। अगर भूख नहीं है तो हम फिर बाबा के आने का इंतजार करते हैं, ठीक है? वो आएंगे तो हमें गड्ढे खाना खाएंगे। मेरी रानी बाबा, पता क्या बाबा का भी हमारे बगैर दिल नहीं लगता है ना। अभी इधर से आएंगे बाबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है वो गड्डिस का? अच्छा बस प्यार मोहब्बत बाद में बाप बेटी का, चलो पहले खाना खाएं, मुझे बहुत जोर की भूख लगी। तुमने प्रोग्राम नहीं बताया हमारा। आज क्या प्रोग्राम? क्यों नहीं बताया? बताना चाहिए था। क्या प्रोग्राम है? मैंने खाना लगा दिए। हम खाना नहीं खाएंगे। क्यों? यही तो हमारा प्रोग्राम है आज का, कि हम दोनों बाहर घूमने जाएंगे।
ये हम से क्या मतलब? एक हम और एक हम। हम हम और हम? आप नहीं, हम सिर्फ हम बाहर घूमने जाएंगे। चलो खुदा भी यही। ये नहीं, मैं अकेली घर में नहीं, मैं भी आ रही हूँ। जगह मामा को लेके जाएं। आज मैं और मेरी बेटी अकेले सैरे करेंगे, ठीक है? हम सूप पियेंगे, फिर आइसक्रीम खाएंगे। मामा के साथ तो हर वक्त रहती है ना वो। आमिर सुनो, एक जरूरी बात करनी है। क्या क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे सुनो सुनो, क्या कर रही हो? हमारा प्रोग्राम सोने का है। सारा तो अकेले। सारा मेरी बात सुन। जाओ ना, जाओ। Oh!